हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल. तो गाइस, मैं आप सबके पास दोबारा आ चुकी हूँ फिर कुछ रेमेडीज, अच्छे अच्छे रेमेडीज लेके. जैसे कि आपको पता है कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप सब से हेयर रेमेडीज के बारे में बात करी थी. तो आई एम रियली वेरी श्योर कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो अप्लाई करी होगी अपने हेयर्स पे. एंड प्लीज मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना अगर आप लोगों ने अप्लाई करी है, ट्राई करी है वो रेमेडीज, तो कैसा रिजल्ट रहा है उन सबका. एनीवेज, वो तो थी हेयर्स की बात. अब जैसे कि आप सबको पता है, विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, हमारी स्किन में प्रॉब्लम शुरू होने वाली है और मे बी हो भी गई होंगी कुछ कुछ लोगों के. तो आज मैं जो रेमेडीज आप सबके पास लेकर आई हूँ वो है स्किन केयर रेमेडीज. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, स्किन केयर रेमेडीज. क्योंकि एज पर यू ऑल गाइज नो कि विंटर्स में हमारी स्किन में ड्राइनेस, डलनेस, स्किन रेडनेस, रैशेज और बहुत सी ऐसी उल्टी सीधी चीजें होती रहती हैं. तो ये सबका एक मेन रीजन सबसे पहले होता है कि विंटर्स जब स्टार्ट होते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है कॉमन हो जाती है स्किन के अंदर. ठीक है, तो चलिए मैं आज कुछ रेमेडीज आप सबसे शेयर करूंगी, होममेड रेमेडीज आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और उससे आपको एक 110% बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा. तो आइए हम सब स्टार्ट करते हैं. तो गाइज, सबसे पहला और सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट मैं आप सबको बताने जा रही हूँ वो है मलाई. जी हाँ, मलाई जो हमें दूध में से मिलती है. तो हमें करना क्या है, हमें थोड़ी सी मलाई चाहिए. इतनी मलाई लेना कि जो आपके फेस पे इनफ हो जाए. ठीक है, तो सबसे पहले एक बाउल लेना, बाउल में आप मलाई निकालना, थोड़ी सी मलाई, 2-3 टेबलस्पून मलाई बहुत हो जाएगी. मलाई लेना, उसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करना, पूरे फेस पे. तो इसको अप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मलाई आप लीजिए, उसको अपने स्किन पे ऐसे करके बहुत अच्छे से अप्लाई कीजिए और कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए आप अच्छे से मसाज कीजिए फेस की. फेस पे अच्छे से मसाज करने के बाद आप उसको चाहे तो 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दो. और अगर आप नहीं छोड़ सकते तो उसको मसाज करने के बाद कोई भी थोड़ा सा गर्म पानी लेना, गुनगुना पानी, उससे भी आप फेस वॉश कर सकते हो अपना, या तो आप टॉवल ले सकते हो थोड़ा सा गीला करके, जिससे आप हल्के से सिर्फ अपने फेस को साफ कर लो. ये याद रखना कि आपको फेस धोना नहीं है. धोने का मतलब कोई फेस वॉश नहीं करना आपको, फेस वॉश से या किसी भी और चीज से, साबुन से, सोप से, जिससे भी आप करते हैं फेस वॉश नहीं करना. सिर्फ आपको मलाई को अच्छे से पानी से, पानी लेकर फेस को अच्छे से धोना है, बस दैट्स इट. उसके बाद हल्का सा उसको फेस को आप टॉवल से पोंछ कर और आप सो जाओ. अच्छा, इसमें एक तरीका और है, या तो आप इसको रात को अप्लाई करो या दिन में. ठीक है, लेकिन मैं अगर आप लोगों को बताऊंगी, आपके सूटेबल जो आपको रहेगा वो रहेगा रात को. क्योंकि अगर आप, इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप इसको डे में लगाओगे मलाई को, तो इससे थोड़ा सा क्या होता है, हमारा स्किन कलर डार्क लगता है, जो कि आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को पसंद आएगा. तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रात को इसको अप्लाई करो मलाई को, और पूरी होल नाइट के लिए छोड़ दो, और सुबह उठ के आप इसका रिजल्ट देखना. फिर सुबह उठ के आप इसको, जो भी आप फेस वॉश कर सकते हो, कि जिस भी चीज से आप फेस वॉश करते हो, आप उससे रिमूव कर देना इसको. इसके बाद आप अपनी स्किन में चेंज देखना. इसमें ड्राई स्किन में बहुत आपको हेल्प करेगा ये, जो स्किन क्रैक हो जाती है उसमें आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, और बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्चराइज आपका स्किन हो जाएगा. ठीक है, तो ये था हमारा पहला और अच्छा इंग्रेडिएंट जो हम यूज कर सकते हैं. ऐसे ही हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है. अब मैं बात करूंगी आपसे अपने दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में, जो कि है कर्ड. जी हाँ, कर्ड मतलब दही. ये भी आपको सेम एज इट इज, जैसे आपने मलाई अप्लाई करी थी ऐसे ही आप कर्ड को भी अप्लाई कर सकते हो. ये आप सब पे डिपेंड है कि आपके घर में उस टाइम क्या अवेलेबल है. अगर आपको मलाई अवेलेबल है तो आप मलाई यूज करो, कर्ड अवेलेबल है आपके घर में तो आप कर्ड भी यूज कर सकते हो. कर्ड जो है वो मेरा फेवरेट इन्ग्रीडियंट है, वो इसीलिए क्योंकि कर्ड में काफी प्रोटीन होते हैं, और कर्ड से मतलब ऐसा कुछ स्किन डलनेस, सॉरी डार्क स्किन की भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती. तो आप दिन में भी यूज कर सकते हो, रात को भी यूज कर सकते हो. तो सेकंड जो इंग्रेडिएंट है कर्ड, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी, वो भी आपको ऐसे रात को अप्लाई करना है अपने फेस में अच्छे से. उससे आपको मसाज करनी है, 3 से 4 मिनट मसाज करने के बाद इसको कम से कम आधा घंटा आपको छोड़ना है. तो इसीलिए बेनिफिट होता है रात को यूज करें आप ये सारे प्रोडक्ट्स. रात को आप इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दो. उसके बाद आपको सेम जैसे आपने पहले वाले में करा था, सेम आपको गुनगुने पानी से या किसी भी गीले टॉवल से हल्के हाथ से साफ करके और रात को पूरा ओवरनाइट छोड़ देना है.
और मॉर्निंग उठ के आपको जो भी आप फेस वॉश सोप या जो भी यूज करते हो आप अपने घर में, वो ही आपको डेली रूटीन में अप्लाई करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे भी हमारी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रहेगी और धीरे धीरे आप देखने लगोगे कि जो भी आपके स्किन में प्रॉब्लम थी, चाहे वो एक्ने की प्रॉब्लम थी, चाहे वो रेडनेस की प्रॉब्लम थी, वो आपके फेस पे धीरे धीरे दूर होती रहेगी। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको 110% रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने थर्ड और लास्ट इंग्रेडिएंट के बारे में, ठीक है। ये है हमारा कॉफी पाउडर और कोकोनट ऑयल का। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, कॉफी पाउडर जो कि हम घर में डेली यूज में पीते हैं, वो वाला कॉफी पाउडर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक बाउल लेना है छोटा सा, जिसमें हमें 2 चम्मच कॉफी पाउडर डालने हैं। उसके बाद हमें डालना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हम इतना रखेंगे, 1 से 1.5 चम्मच, जितना वो अच्छे से कॉफी पाउडर के साथ आपका मिक्स हो जाए। ऑलराइट, ये दोनों चीजें हम अच्छे से मिक्स करके एक ब्रश लेंगे। ब्रश के हेल्प से हम अपने फेस पे, पूरे फेस पे इसको अप्लाई करेंगे। याद रखना, पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद इसमें मसाज नहीं करनी, अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करके 40 to 45 मिनट्स के लिए हम इसे एज इट इज छोड़ देंगे। उसमें ना हमें मसाज करनी है, ना हमें इसे ओवरनाइट रखना है। सिर्फ इन दो चीजों का हमने अच्छे से पेस्ट बना के मिक्स करके इसको 40 to 45 मिनट्स के लिए अपने फेस पे लगा के अच्छे से छोड़ दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी लेना और इसको अच्छे से अपना फेस वॉश कर लेना। उसके बाद अपना डेली मेकअप या कुछ भी आप अप्लाई करना चाहो तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। गर्म पानी इन सब चीजों में क्यों यूज होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। गर्म पानी इसीलिए यूज होता है क्योंकि ये सब चीजें जो होती हैं अप्लाई करने की फेस में विंटर्स में, ये होती है थोड़ी सी मॉइस्चराइज, ऑयलीनेस छोड़ जाती है। ये ऑयलीनेस के लिए हमें सबसे पहले गर्म पानी ही यूज करना है, तभी ये चीजें हमारे फेस में एब्जॉर्ब भी होंगी और अच्छे से निकल भी जाएंगी। जितना हमें पार्ट एब्जॉर्ब करना है वो हमारे फेस में एब्जॉर्ब हो जाएगा और जितना एक्सेस ऑयल होगा वो सब हमारा गर्म पानी के थ्रू निकल जाएगा। तो गाइज, ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे तो बहुत है मेरे पास यार, मेरा मतलब भरा पड़ा है। बट लेकिन जो अभी जो आप लोग ऑफिस गोइंग हो, कोई वर्किंग हो, जो भी हो, या न्यू मॉम्स हो, तो आप लोग ये सब चीजें, ये 3 चीजें ऐसी थी कि बहुत इजीली आप घर में खुद से कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है फेशियल करवाने का, पार्लर जाने का, इतने इतने पैसे फूंकने का, तो ये सबसे अच्छी और बेसिक चीजें हैं जो आप डेली रूटीन में अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। और जी हाँ, ये सब कुछ आप डेली भी कर सकते हो। डेली करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और जब आपको लगे आपकी स्किन ठीक हो गई, रिपेयर हो गई, ऐसी नीड नहीं है, तो आप 2 दिन 3 दिन छोड़ के भी ये सब चीजें अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज, ये थी कुछ अच्छी सी रेमेडीज। बाकी और भी रेमेडीज के साथ मैं आपको मिलती रहूंगी। होप सो हम दोबारा मिलेंगे अच्छी अच्छी रेमेडीज के साथ। बाकी ये सब आप यूज करें अपने फेस में और यूज करके मुझे जरूर बताना कैसा था, रिजल्ट कैसा आया। पेशेंस रखना, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ओके गाइज, तो सी यू, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज और ब्लॉग के साथ मैं आपको मिलती रहूंगी अपनी फैमिली के साथ। बाय, टेक केयर।